बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आर सॉफ्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन मीरपुर। सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज़ की इस ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पिछले ट्यूटोरियल में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स उनकी एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर और इसकी एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। द ऑपरेटर इज़ यूज टू कम्पेयर टू वैल्यूज एंड ऑल्सो इट शोज द रिलेशन ऑफ ऑपरेटर्स। रिलेशन ऑफ वेरिएबल्स इज ऑल्सो नोन एज रिलेशनल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर दो वैल्यूज़ का मुवाजना करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये वैल्यूज सी प्लस प्लस की डाटा टाइप्स में होनी चाहिए। इसके अलावा ये ऑपरेटर्स दोनों ऑपरेंड के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करते हैं, यानी ये दोनों ऑपरेंड की बराबरी पर इनका ऑर्डर वाजिया करते हैं। इन ऑपरेटर का टेबल नीचे दर्ज है। वेरी सिंपल, कोई भी हम लोग कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं उसके बाद उस कैलकुलेशन का मुवाजना करने के लिए जो हम लोग ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं बराबरी, बरतरी, कमतरी मालूम करने के लिए जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं उनको कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। इन सिंपल कॉमन रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में जो हम लोग फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड पोजिशन, थर्ड पोजिशन के लिए जो फंक्शनलिटी यूज़ करते हैं वो इन्हीं ऑपरेटर्स की मदद से यूज़ की जाती है। तो इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि डबल इक्वल का निशान है। आम तौर पर बराबर ए सिंगल इक्वल के होता है, लेकिन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डबल इक्वल से मुराद बराबर होता है। जब आप सिंगल इक्वल यूज़ करते हैं तो अपने पीछे वैल्यूज़ को असाइन करते पड़ा, जैसे ए इज इक्वल टू फोर, तो ये आप सिंपल वैल्यू वेरिएबल को असाइन कर रहे होते हैं, ना कि आपके ए की वैल्यू फोर होती है, ना कि ए फोर के बराबर होता है। इट शोज ए इट शोज वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू फोर, ए डबल इक्वल टू फोर। इट शोज ए इज इक्वल टू फोर, यानी कि ए की जो वैल्यू है वही फोर की वैल्यू है। आप ये कह सकते हैं यहाँ ए फोर के बराबर है और फोर ए के बराबर है, इसको हम कहते हैं डबल इक्वल। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में इक्वल का ये मतलब होता है। सिंगल इक्वल से आप लोग सिंपल वैल्यू को असाइन करते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं नॉट इक्वल। नॉट का सिंबल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये यूज होता है नॉट के लिए। नॉट इक्वल का मतलब होता है कि बराबर नहीं है। ऐसे कि आप देख रहे हैं वजात में नॉट इक्वल टू और ए नॉट इक्वल टू बी। उसके बाद आप देख रहे हैं स्मॉलर देन का साइन है, लेस देन जिसे कहते हैं छोटा है, और ए लेस देन बी वेरी सिंपल है। और इसी तरह ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी, लेस देन इक्वल टू छोटा है या उसके बराबर है, उससे छोटा है, ए लेस देन इक्वल टू बी। ग्रेटर देन इक्वल टू होता है बड़ा है या उससे बड़ा है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। वेरी सिंपल है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये हम लोग जब इफ वो कंडीशन पढ़ेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर इसके बाद पढ़ेंगे, सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, और उसके लिए जब हम लूप्स का इस्तेमाल करेंगे तो बेटर तरीके से हमें इनकी समझ लग सकेगी। इन्हें हम मल्टीपल कंडीशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी एक हो गया, उसके बाद बी इज इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी। एंड के लिए जो आप यूज़ करते हैं वो ये ऑपरेटर होता है डबल एंड, ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ये सिंबल एंड ऑपरेटर के लिए यूज़ की जाती है। एंड ऑपरेटर ये अगर हम पढ़ेंगे एंड और ऑपरेटर, ऑपरेटर के लिए और ऑपरेटर के लिए हम लोग दूसरी सिंबल यूज़ करते हैं। एंड और ऑपरेटर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस तरह की सिंबल होती है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि एंड ये हो गया। मल्टीपल सिनेरियो के लिए हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, और अब हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम लोग अपना ये कोर्स इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करेंगे। सिंपल आप लोग हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, .h। अब इनके बारे में गूगल से मज़ीद सर्च भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं।
इनके बेनिफिट, इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ सकते हैं। ये हमारी एडर फाइल्स हैं, ऐसे मैंने लिख दी हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो इससे रिलेटेड हों वो तो मस्ट हैं, जैसे कि एसटीडी है आउटपुट दिखाने के लिए, कोनियो है इनपुट आउटपुट फंक्शनलिटी के लिए। आप इधर देख रहे हैं इंटीजर ए बी सी तीन वेरिएबल हमने ले लिए इंटीजर टाइप के, और सी आउट करवा दिया इंटर वैल्यूज़ इंटर। आप इधर इसी को कर दे बार बार सी आउट लिखने के बजाय, वैसे भी कर सकते हैं इंटर थ्री वैल्यूज, इसको ये कर दें। और इधर हम दिखा देंगे एंडल सी इन, हम लोग इसमें करवा देते हैं मल्टीपल वेरिएबल को वैसे वैल्यू असाइन करते हैं, वैल्यू इनमें इनपुट करवाते हैं इन इस तरह। ये सर आप 50 वेरिएबल को वैल्यू करवा सकते हैं, इनपुट करवा सकते हैं। और मल्टीपल वेरिएबल के लिए हम लोग लूप पढ़ेंगे, वो तो आगे अगला टॉपिक है जब हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपने क्या किया कि तीन वैल्यूज यूज़र से इनपुट ली है और तीनों को इकट्ठे उसमें इनपुट करवा दिया। अब हमने ये देखना है कि इन तीनों में से बड़ा कौन सा है, तो उसके लिए हमें सिंपल सा इफ एल्स यूज़ करेंगे, जैसा कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारी आगे हैं, लेकिन इन ऑपरेटर्स को समझने के लिए ये ज़रूरी है। तो मैं सिंपल, जैसे हमारा होता है कि हम कहते हैं कि इफ़ अगर ए ग्रेटर देन है बी के, तो क्या बता दो जनाब, सी आउट करवा दो ए इज ग्रेटर देन बी। एल्स इफ बी ग्रेटर देन है ए के, तो सी आउट करवा दो B is greater than A. Else, अगर ये दोनों नहीं है एक दूसरे से ग्रेटर, तो फिर जाहिर सी बात है C is greater है, वो बोथ दोनों इक्वल है, बोथ आर इक्वल, ये दोनों तो इक्वल हो गए ना, क्योंकि वैल्यू हमने इसको हम लोग चूँकि कंडीशन ज़्यादा है इसको ख़त्म करते हैं फिलहाल इस लेवल पे, कि हम लोग आगे करेंगे मल्टीप्लीकेशन। अब ये देख रहे हैं दो को वैल्यू करवाए अपने, फिर अब चेक करेगा ए ग्रेटर है तो ए का शो करवा देगा, इसको कहते हैं कंडीशन। अभी ये कंडीशन चेक कर रहा है कि ए रिलेशन इसका चेक कर रहा है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, ये ऑपरेटर यहाँ पे लगा, उसके बाद ये ऑपरेटर लगा। इसी तरह आप सारे ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इफ़ ए नॉट इक्वल्स टू बी देन सो वट, इफ़ ए इक्वल्स टू बी देन सो वट, इफ़ A not equals to B and B greater than equals to C, इस तरह के डिफरेंट सिनेरियोज आएंगे अगर जिसे हम करेंगे, और इस तरह आप लोग अपने कोई भी रिजल्ट ले सकते हैं। सी आउट करवा देंगे बोथ आर इक्वल, अपने प्रोग्राम में चलते हैं और इसको यहाँ से डल कर ख़त्म करवाते हैं। गेट सी एच गेट करेक्टर, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। आपने देखा कितनी आसानी से हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को अपने प्रोग्राम में यूज़ किया। तो रिलेशन ऑपरेटर भी मुकम्मल हो चुके हैं, हम आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग के होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स, उसके अलावा लूप्स, आगे हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।